बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इनपुट आउटपुट यूनिट के टॉपिक को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके जरिए कंप्यूटर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, और साथ के साथ कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, वो किस तरीके से लिखी जाती है, इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन की, और आपने भी अभी तक ये महसूस किया होगा कि इंस्ट्रक्शन का वर्ड कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इंस्ट्रक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब है सेट्स ऑफ कमांड्स, यानी ये वो कमांड्स होती हैं जो कि यूजर प्रोसेसर को देता है, जो कि प्रोसेसर को बताती हैं कि उसे क्या काम करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है, और ये तमाम चीजें कहलाती हैं इंस्ट्रक्शंस। और फ्रेंड्स, याद रखिए, जो भी सीपीयू कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है तो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को पहले मेमोरी में लोड करवाना होता है। अब चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस आ रही हो या फिर हार्ड ड्राइव वगैरह से इंस्ट्रक्शन आ रही हो, तमाम इंस्ट्रक्शंस को पहले मेमोरी में लोड करवाना होगा, तभी सीपीयू उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। अब फ्रेंड्स, इस तस्वीर में देखिए, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये है मेन मेमोरी और ये है सीपीयू। और अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जरिए सीपीयू को कोई कमांड देंगे तो वो पहले मेमोरी में लोड होगी, तो उसको मेमोरी में डालने के लिए भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी जो कहलाएंगी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह यूजर कोई कैलकुलेशन करवाना चाहता है तो उसके लिए भी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कहलाएंगी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। कुछ डाटा इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसके अंदर हम डाटा पर काम कर रहे होंगे, यानी आप अपने डाटा के अंदर कुछ स्टोर करवा रहे होंगे, उसके अंदर कुछ एडिशन करवा रहे होंगे, तो ये कहलाएंगी डाटा इंस्ट्रक्शन। और इनको डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आप डाटा के अंदर चेंजिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप मेमोरी से रजिस्टर के अंदर डाटा डाल रहे हैं या फिर मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस को डाटा दे रहे हैं, तो ये होगा डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। दोस्तों, ये सब बताने का मकसद ये है कि कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ कोई एक इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होती, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं। आइए अब इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं जो कि किसी छोटे से छोटे कंप्यूटर में भी होंगी और बड़े से बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर भी यूज होंगी। इन शॉर्ट, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि तमाम जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें सबसे पहले है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आमतौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में पड़ी होती हैं, तो सीपीयू सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शंस को निकालेगा और किसी टेम्पररी रजिस्टर में रख देगा जो कि सीपीयू में ही होगा, फिर टेम्पररी रजिस्टर से मेमोरी रजिस्टर में। और याद रखिए फ्रेंड, ये जो हम मेमोरी से रजिस्टर्स या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा को डाल रहे हैं, ये होगा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। यानी ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनमें आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के जरिए प्रोग्रामर सीपीयू से सीपीयू में ना सिर्फ डेटा को डाल सकते हैं बल्कि सीपीयू टू मेमोरी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद है आईओ इंस्ट्रक्शंस या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। और दोस्तों, ये आप देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की, जैसे कि पुश एंड पॉप जो कि हम स्टैक में यूज करते हैं, इसी तरह से मूव जिसके अंदर हम किसी एक डेटा को दूसरे एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर डेटा को मूव करवा रहे होते हैं, तो ये तमाम है कुछ एग्जांपल्स डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की। इसके बाद है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस तब यूज की जाती हैं जब प्रोग्रामर इनपुट डिवाइसेस से कोई डेटा मेमोरी में इन करना चाहते हैं, तो वहां ये इनपुट इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं। इसी तरह अगर प्रोग्रामर मेमोरी से डेटा को निकाल रहे हैं ताकि उस डेटा को आउटपुट डिवाइसेस को दे सके, तो यहाँ पर प्रिंट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी। तो दोस्तों, ये थी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं वो कहलाती हैं डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, डेटा मैनिपुलेशन मींस डेटा में कुछ चेंज करना, यानी कुछ ऐड करना, कुछ माइनस करना। इन शॉर्ट, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस की भी तीन टाइप्स हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके जरिए आप अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं,
जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह। इसकी दूसरी किस्म है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनमें आप बिट वाइज एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवाते हैं, जैसे कि और जोर और नॉट वगैरह। और साथ के साथ अगर दो नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी। और इसकी तीसरी किस्म है शिफ्ट एंड कन्वर्जेशन इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट एंड कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों इन इंस्ट्रक्शंस के जरिए आप डेटा को शिफ्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करवा सकते हैं। यानी जो भी आप कन्वर्जन करवाना चाहते हैं ASCII, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, तो वो आप इन कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हुई। इसके बाद है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। दोस्तों जब भी आप कोई इस तरह का प्रोग्राम सीपीयू को देते हैं जिसमें मल्टीपल लूप्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज हो रही होती हैं, वहां प्रोग्रामर्स को कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है और इसके अंदर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग नहीं हो रही, जैसे कि इफ के पास सीपीयू आएगा, यानी इसके अंदर इस तरीके से नहीं हो रहा कि पहले आई वन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी देन आई टू, ऐसा नहीं हो रहा। बल्कि जब ये कंट्रोल इफ के स्टेटमेंट के पास आएगा यानी आउट क्यू के पास आएगा, तो वो चेक करेगा कि क्या ए लेस देन 10 है, और ए यहाँ पर है 11, तो क्या 11 10 से छोटा है, जिसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस आई 3 पर जाने के बजाय डायरेक्ट जंप करेगा इस आई 4 इंस्ट्रक्शन पर। और फ्रेंड्स इससे हमें ये पता लगा कि जब भी हम लूप्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम्स में यूज करेंगे, जिसकी वजह से सीपीयू सीक्वेंशियल यानी लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और इसीलिए सीपीयू यूज करेगा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को, जैसे कि जंप वगैरह। अब यहाँ पर जब सीपीयू एक स्टेटमेंट के पास आएगा तो वो चेक करेगा इस स्टेटमेंट को, जिसका आंसर आएगा फॉल्स, तो वो यहाँ पर आई 3 पर जंप करने के बजाय उसको सीपीयू बताएगा कि वो जंप 4 करे, यानी इंस्ट्रक्शन 4 के ऊपर जंप करे, इंस्ट्रक्शन 3 के बजाय इंस्ट्रक्शन 4 के पास जाए। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को हम कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो कि जब यूज की जाती हैं जब सीपीयू सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या फिर सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन सेट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम सीपीयू कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस को फराहम करते हैं, और उनमें से कुछ जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शंस को हमने अभी देखा भी है। और इन इंस्ट्रक्शंस को जब हम एक जगह देखेंगे तो ये कहलाएगा इंस्ट्रक्शन का सेट यानी इंस्ट्रक्शन सेट। अब आगे हम ये देखेंगे कि इन इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट क्या होता है, इनको किस तरीके से लिखते हैं, और इनको यूज करते हुए कैसे प्रोग्रामर्स अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसको हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसको स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम की एग्जांपल के थ्रू। दोस्तों यह है एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो कि कुछ इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड है। इसके अंदर ए और बी हैं डेटा और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है इंस्ट्रक्शन, और ये दोनों चीजें ही मेमोरी में मौजूद होंगी अलग अलग लोकेशंस पर। और दोस्तों ये जो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है ये है इंस्ट्रक्शन। और जैसे कि अभी हम पीछे भी देख चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये बताती है कि आखिर डेटा पर काम क्या हो रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन होती क्या है, दिखती कैसी है, ये डिसाइड करता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें दो चीजें फिक्स हैं कि अगर एक इंस्ट्रक्शन है तो उसमें सिर्फ दो ही चीजें होंगी, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड द सेकेंड वन इज एड्रेस। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन 16 बिट की है तो कुछ बिट्स ऑपकोड की होंगी और कुछ एड्रेस की, लेकिन कितनी बिट्स ऑपकोड और एड्रेस की होंगी इनको हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। खैर हम बात कर रहे थे कि इंस्ट्रक्शन डिवाइड होती है दो फील्ड्स में, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड द सेकंड वन इज एड्रेस। तो दोस्तों आइए ऑपकोड की बात करते हैं। ऑपकोड की फुल फॉर्म है ऑपरेशन कोड, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें जिस तरह का भी ऑपरेशन हो रहा होगा वो बताएगा ये ऑपकोड का डब्बा या फिर ऑपकोड की फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यह है ए प्लस बी, तो यहाँ ऑपरेशन हो रहा है
प्लस का, सॉरी यहाँ ऑपरेशन हो रहा है प्लस का, तो ये पड़ा होगा ऑफ कोट के बॉक्स में। इसी तरह अगर a माइनस बी है तो वहां पर ऑपरेशन हो रहा है माइनस का, तो ये भी पड़ा होगा इस ऑफ कोट के बॉक्स में। यानी आपके कंप्यूटर में जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम उनका फॉर्मेट देखें तो जो जो ऑपरेशंस उनके बिटवीन हो रहे होंगे, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि रोटेट शिफ्ट जंप लोड वगैरह, ये सब ऑपरेशंस रखे होंगे इस ऑफ कोट के बॉक्स में, लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। मान ले आपका सिस्टम अगर 16 बिट का है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस भी, यानी उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो तमाम इंस्ट्रक्शंस 16 बिट की ही होंगी, और अगर उसके ऑपकोड की फील्ड है 4 बिट की, तो आपका सिस्टम 2 की पावर 4 यानी 16 ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकता है। दोस्तों इस तरीके से आपको ये भी पता लग गया कि जितनी बिट्स ऑपकोड की ज्यादा होंगी उतने ही ज्यादा ऑपरेशंस आपका कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। इन शॉर्ट ऑपकोड कुछ ग्रुप ऑफ बिट्स हैं जो कि सीपीयू को बताती हैं कि उन्हें क्या काम करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है एड्रेस। दोस्तों अभी आपने सीपीयू को ऑपकोड के जरिए ये तो बता दिया कि ऑपरेशन क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो ऑपरेशन परफॉर्म तो किसी डेटा पर ही होगा, और डेटा अगर हम बात करें ए प्लस बी की, तो ऑपरेशन तो यहाँ प्लस का हो रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन किस पर हो रहा है, ए और बी के दरमियान, और ए और बी है यहाँ डेटा, और डेटा पड़ा होगा मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस पर, तो आपको उस इंस्ट्रक्शन में जिस डेटा पर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा उसका एड्रेस भी देना होगा, तब जाकर एक पूरी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, क्योंकि उस एड्रेस के जरिए ही आपका सिस्टम मेमोरी से डेटा की वैल्यूज को उठाकर लाएगा। अब ये है a प्लस बी, इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में लिखें तो पहले आएगा ऑपकोड यानी ऑपरेशन जो कि है प्लस, और फिर आएगा a और b का एड्रेस जो कि बताएगा कि a और b की वैल्यू मेमोरी में इस जगह पर मौजूद है। और इस तरह जब सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो वो पहले a का एड्रेस से वैल्यू लाएगा, देन b के एड्रेस से वैल्यू उठाकर लाएगा, और उन दोनों को ALU के जरिए आपस में प्लस कर देगा। और दोस्तों इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है। जब पहली फील्ड जो होती है वो होती है ऑपकोड की, जिसके अंदर ऑपरेशन बताया जाता है, और नेक्स्ट फील्ड होती है एड्रेस की, जो कि बताती है कि मेमोरी में इस एड्रेस पर आपका डाटा पड़ा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डाटा मेमोरी में भी रखा हो सकता है, रजिस्टर्स में भी, और स्टैक में भी। तो अगर मेमोरी में डाटा रखा हुआ है तो यहाँ पर मेमोरी के एड्रेसेस रखे होंगे, अगर रजिस्टर्स में डाटा रखा है तो यहाँ पर रजिस्टर्स के एड्रेस रखे होंगे, और अगर स्टैक में डाटा रखा हुआ है तो यहाँ पर स्टैक के एड्रेस होंगे। तो डिफरेंस ये था इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट। अगले लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को देखेंगे, जिसके अंदर हम 0 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1, 2, 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।